हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस मेहंदी तोशनीवाल, आपकी दोस्त, आपकी एजुकेटर और आपकी मेंटोर, लेकर आई हूँ एक नया सा चैप्टर कंपनी लॉ का, विच इज जनरल मीटिंग। आज हम जनरल मीटिंग को रिवाइज करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बोर्ड मीटिंग के बारे में, और आज वन शॉट लेक्चर में आपका पूरा जनरल मीटिंग दिमाग में बैठ जाएगा। तो पूरी शिद्दत के साथ इस लेक्चर को देखना एंड यू विल नॉट रिग्रेट, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर और प्यारे नोट्स से हम पढ़ने वाले, एकदम फ्लो चार्ट्स बनाए हैं ताकि आपके दिमाग के अंदर घुसेगा। लेट्स सी कि हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला रहेगा आपका एजीएम, विच इज एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर आपने एजीएम कंप्लाई नहीं किए टाइम में तो क्या नॉन कंप्लाइंसेस की आपको पेनल्टी लगेगी, क्या क्या चीजें जरूरी है एक वैलिड मीटिंग के लिए, एंड काफी काफी सारे सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जैसे नोटिस का सेक्शन, प्रॉक्सी का सेक्शन, फोरम का सेक्शन, काफी चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नो डाउट चैप्टर लेंथी है, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका पार्ट बी का, तो इस चैप्टर को हम किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगते हैं। चैप्टर बात करता है कुछ सेक्शंस के बारे में, विच इज सेक्शन 96 टू सेक्शन 118। बात करूं तो 96 स्टार्ट होता है एजीएम से और 118 एंड होता है एजीएम की मिनट्स के ऊपर। कुछ रूल्स लगते हैं जिसे हम बोलेंगे कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल, एंड लास्टली सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 लगता है जिसे इशू किया गया है ICSI ने। अगर आपको याद हो तो बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा वहां पे लगता है SS1 और जनरल मीटिंग में लगता है आपका SS2, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। दूसरा, हम मीटिंग्स किसकी तरह की, दूसरा हम कितने तरह की मीटिंग्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे एजीएम के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे ईजीएम के बारे में, लास्ट हम पढ़ेंगे क्लास मीटिंग्स के बारे में। क्लास मीटिंग का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है जो हमें अभी पढ़ना नहीं है। मेंबर्स की तीन तरह की मीटिंग्स होती है, एजीएम जो साल में सिर्फ एक ही बार होती है, ईजीएम एंड क्लास मीटिंग्स। क्लास मीटिंग्स का पोर्शन अभी आपके लिए नहीं दिया गया है, हमें फोकस करना है एजीएम पे एंड ईजीएम पे। स्टार्टिंग विद आवर एनुअल जनरल मीटिंग्स एंड एजीएम का आपका सेक्शन है सेक्शन 96, एक सीधा 9 एक उल्टा 9, विच इज 96 सेक्शन है आपका एजीएम का। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एजीएम आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर आपकी कंपनी में करा लेनी है, एंड बिलीव मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जिसपे क्वेश्चन बनने के काफी चांसेस रहते हैं। तो लगा दो इस पे हमारे 5 सितारे। एजीएम आपको करवा लेनी है आपकी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, नहीं, आपने अभी हाल ही में आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, इन दैट केस आपको 9 मंथ्स के अंदर अंदर एजीएम करा लेनी है। 9 मंथ्स कहाँ से, जहां से फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से 9 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी में करा लेनी है एजीएम। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 11 अक्टूबर 2023 को, तो अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। आई होप आप सभी को ये चीज पता है। 1 अप्रैल को आपको स्टार्ट हो गया, 31 मार्च को एंड हुआ है, इन दैट केस फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2024 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर जहां से खत्म हो रहा है वहां से 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको करा लेनी है आपकी कंपनी की पहली एजीएम। गिनो मेरे साथ, मार्च में खत्म हो रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स आ रहे 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से पहले पहले मुझे क्या करानी, अपनी कंपनी की फर्स्ट एजीएम करा लेनी है। तो ये है मेरी कंपनी की एजीएम कराने की ड्यू डेट। ये आपको डेट कैलकुलेशन करने के लिए आती है, तो हमें प्रोविजन ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त 2022 को, तो पहले देखो कि इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2023 को इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, वहां से 9 मंथ्स क्या होंगे, 31 दिसंबर 2023। अपनी कंपनी की एजीएम इस केस में, यस इस केस में अगर मैं करवाना चाहती हूँ 1 नवंबर 2024 को,
तो क्या चलेगा क्या? मैं फर्स्ट एजीएम कराना चाहती हूँ 1 नवंबर 2024 को, तो चलेगा कि यस एब्सोल्युटली चलेगा? 9 months आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया कि 9 महीने के अंदर अंदर तो आपको एजीएम करवा लेनी है। एनुअल जनरल मीटिंग साल में सिर्फ एक ही बार होती है। अगर आपको दूसरी बार भी कोई मीटिंग बुलानी है तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर एजीएम साल में सिर्फ एक बार ही बुलाई जाती है। जैसे जब आप लोग स्कूल्स में होंगे तो आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं जो साल के एंड में सिर्फ एक बार ही होते, वैसे ही कंपनी के केस में भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार ही कंडक्ट कराई जाती है। ये समझ आया? अभी तो हमने पढ़ा कि अगर हमारी कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो 9 महीने के अंदर एजीएम करा लेनी, लेकिन मेरी कंपनी तो एग्जिस्टिंग कंपनी है तो मुझे एजीएम कब तक करानी पड़ेगी? तो सब्सिक्वेंट एजीएम यानी कि जो अगली एजीएम है वो आपको करानी पड़ेगी 6 months के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर। पहले क्या था, अगर मेरी कंपनी नई नवेली इनकॉर्पोरेट हुई तो 9 months के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब एक बार तो मीटिंग हो गई है, दूसरी मीटिंग में कब कराऊं? तो दूसरी मीटिंग में कराऊंगी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से 6 months के अंदर अंदर। पहली पहली कंपनी थी, पहली पहली बार इनकॉर्पोरेट हुई थी, इसलिए उसे ज्यादा समय दिया गया एनुअल जनरल मीटिंग करवाने का। अब तो तुम पुराने हो गए हो तो हमें 6 months ही दिए जाएंगे। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से 6 महीने, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये डेट 30 सितंबर ही निकल के आएगी कहीं ना कहीं? ऐसे कैसे? तो अभी बताते हैं आपको। फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो क्या डेट निकल के आएगी? 30 सितंबर तक मुझे मेरी कंपनी की एजीएम कर लेनी है, सब्सिक्वेंट एजीएम। लेकिन यहाँ पर आया ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है बच्चों? जो दो एजीएम के बीच का गैप होगा ना, यस, दो एजीएम के बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपकी कंपनी की लास्ट एजीएम हुई है और अभी तुम जो नई एजीएम कराने वाले हो, इन दोनों के बीच का गैप 15 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पे आते हैं ढेरों सारे सवाल आपके एग्जाम्स में, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। हमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, अगर आपकी कंपनी की पहले एजीएम हो चुकी है 1 मई 2022 को, यस प्रीवियस एजीएम कब हुई? 1 मई 2022 को। तो हम देखेंगे कि मैम सब्सिक्वेंट एजीएम तो आपको 6 months के अंदर करा लेनी है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वहां से। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। यहाँ से मेरे को प्लस करने हैं 6 months, तो क्या आएगा? 30 सितंबर 2023 को मेरा आ जाएगा कि मुझे 30 सितंबर तक अपनी एजीएम करवा लेनी। लेकिन ध्यान रहे कि जो आप दो एजीएम करवा रहे हो यानी कि 1 मई 2022 और जो भी आपकी एजीएम की डेट आएगी, उन दोनों के बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मेरी जो कंपनी थी उन्होंने डिसाइड किया है कि हम मीटिंग कब करना चाहते हैं। हम मीटिंग करना चाहते हैं 12 दिसंबर 2023 को। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड, क्या अगर मैं 12 दिसंबर 2023 को मीटिंग करती हूँ तो क्या वो वैलिड होगी क्या? ये तो देखते से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। पहले मुझे बताओ क्या वो वैलिड होगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल वैलिड नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे बोला आपको सब्सिक्वेंट एजीएम 6 महीने के अंदर अंदर तो कला ही लेनी है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुए को तो 30 सितंबर डेट है, तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा कि मीटिंग करवाना चाहती 1 अगस्त 2023 को, तो क्या वैलिड होगा? सबसे पहले हम देखेंगे 6 months के अंदर अंदर है, यस 6 months के अंदर अंदर है। अब आपको देखना है कि 1/5/2022 और 1/8/2023 के बीच का जो गैप है, इन दोनों एजीएम के बीच का जो गैप है, ये 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे गिनोगे 15 महीने? मेरे साथ गिनो, 1/5/2022 से 12 महीने पहले हम लोग गिनेंगे। 12 महीने क्या हो गया? 1/5/2023 और 15 महीने के लिए 3 महीने और जोड़ लो, जून, जुलाई, मई, जून और जुलाई। तो हमारी लास्ट डेट हो गई 31 जुलाई 2023, यानी कि मेरी कंपनी 1 अगस्त 2023 को भी मीटिंग नहीं कर सकती है, बिकॉज यहाँ बोला है गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आज 1 अगस्त 2023 को मीटिंग करती हूँ
तो मेरा यहाँ पे दो AGM के बीच का गैप 15 मंथ से ज्यादा हो रहा है, जो कि एज पर कंपनीज एक्ट अलाउड नहीं है। तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले आपकी मीटिंग कर लेनी है। 30 सितंबर तो ड्यू डेट है, लेकिन यहाँ पे दो AGM के बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई आपको मीटिंग कर लेनी है 31 जुलाई 2023 से पहले पहले। बिल्कुल आगे मत बढ़ना, अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट पर देखना, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आने के आपके एग्जाम में भरपूर चांसेस है। एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। अगर आपकी कंपनी की लास्ट AGM हुई है 1st of June 2025 को, ऐसे मत बैठो, पेन पेंसिल लेकर बैठो, तुम भी मेरे साथ ट्राई करो, हम यहाँ पे कथा सुनने नहीं आए। आपके एग्जाम से 1.5 महीने बाद तो पेन पेंसिल लेके आप भी कैलकुलेट करोगे मेरे साथ। जाओ उठो फटाफट और पेन पेंसिल लेकर आयो, मैं रुकी हुई हूँ 1 मिनट तक, तब तक आप पेन पेंसिल लेकर आओगे। उठ जाओ आलसी, आगे मत बढ़ाओ वीडियो। लेकर आ गए ना, राइट। चलो अब ये आप लोग सॉल्व करोगे, अगर मेरी कंपनी की लास्ट AGM हुई है 1st of June 2025 को, तो क्या ड्यू डेट होनी चाहिए AGM की? तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है। मैम फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31st March 2026 को, एकदम सही बोला बच्चा। तो वहां से 6 मंथ्स देखा तो 30th September 2026 तक। अब मेरी जो ये कंपनी है ना, वो लोग मीटिंग करना चाह रहे हैं 11th of September 2026 को, तो क्या वो वैलिड है? ये क्वेश्चन आया 11th September 2026 को मीटिंग करना चाहते हैं, तो क्या वो वैलिड है क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि गैप काउंट करना है आपको। 15 मंथ से ज्यादा गैप तो नहीं है ना, तो गैप काउंट करोगे 1st June 2025 से पहले काउंट करेंगे हम 12 मंथ्स। यस, प्लस 12 मंथ्स करोगे तो क्या आएगा बच्चा? 1st of June 26। अभी 3 महीने और काउंट करो, जून का पूरा महीना, जुलाई का और अगस्त का। तो यहाँ पे आपके आ गया 31st August 26। तो यहाँ पे भी आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो 11th सितंबर 26 को मीटिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर वो करते हैं तो इन दोनों मीटिंग के बीच का गैप तो 15 महीने से ज्यादा है। तो आपको लास्ट डेट क्या रहेगी? 31st अगस्त 26। तो क्या मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर 1st अगस्त को मीटिंग करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दो AGM के बीच का गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं है, 15 महीने के अंदर अंदर ही आप कर रहे हो। आई होप आई एम क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है कि मान लो ये जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर मेरी कंपनी में AGM नहीं हुई है, इन दैट केस क्या एक्सटेंशन मिलेगा क्या मुझे? तो हाँ, आपको एक्सटेंशन देता है ROC, 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलता है। अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर मीटिंग नहीं करी तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। ध्यान रहे, ये एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सिक्वेंट AGM में मिलता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन है, मैम फिर क्या 1st AGM में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा? नो बच्चा, 1st AGM में आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे आपको कंपनीज एक्ट में 9 महीने दिए गए, लेकिन यहाँ पे तो आपको सिर्फ 6 महीने दिए गए। तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे एक्सटेंशन आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। अगर कोई स्पेशल रीजंस की वजह से आप AGM कंडक्ट नहीं कर पाए, इन दैट केस ROC आपको एक्सटेंशन देगा। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम स्पेशल रीजंस कौन से रीजंस? मुझे बुखार आ गई, मैं बाहर घूमने चली गई, ये होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। स्पेशल रीजंस वो रीजंस होते हैं जो कि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होंगे। तो ऐसे रीजन की वजह से अगर आप कंपनी में AGM नहीं कर पाए हो, इन दैट केस आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, उन्हें हम कहते हैं स्पेशल रीजंस। पर ध्यान रहे कि ये स्पेशल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ड्रॉट आ गया, COVID-19 हो गया, लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई, इन सभी केसेस में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। अच्छा, मेरी कंपनी तो OPC है, मैं अकेली अपनी कंपनी को चला रही हूँ, उस केस में AGM की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट? AGM किस दिन हो सकती है? तो आपकी AGM किसी भी दिन कर सकते हो एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपकी AGM किसी भी दिन हो सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। और नेशनल हॉलीडे मतलब क्या? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, ये सभी नेशनल हॉलीडे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए। तो एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, क्या मेरी AGM संडे को हो सकती है क्या? कैन द AGM बी कंडक्टेड ऑन संडे? बताओ ना,
यस, एजीएम संडे को हो सकती है, ध्यान रहे, आप किसी भी दिन एजीएम कर सकते हो एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे. संडे इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, संडे एक पब्लिक हॉलीडे है. किस वक्त एजीएम करनी? क्या मैं रात में 2 बजे एजीएम कर सकती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, सब मेंबर्स को बुला के रात में 2 बजे एजीएम कर सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं. आपको एजीएम करनी है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में, और बिजनेस आवर्स क्या होंगे? 9 AM to 6 PM के बीच में आप एजीएम कर सकते हो. अभी तक हमने देखा कि पहली एजीएम कब कर लेनी है, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. सब्सिक्वेंट एजीएम कब करनी है, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. दो एजीएम के बीच का गैप शुड नॉट एक्सीड 15 months. अगर एजीएम उस टाइम पीरियड में नहीं करी तो आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम 3 months का, लेकिन क्या रीजन होने चाहिए? स्पेशल रीजन होने चाहिए. ओबीसी में एजीएम नहीं करना है. किस दिन एजीएम करनी है? किसी भी दिन कर लो, लेकिन वो दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए. समय क्या होगा? यस, समय क्या होगा? 9 AM to 6 PM के बीच में आप कभी भी एजीएम कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट, किस प्लेस पे आपको एजीएम करनी है? अरे जगह तो बताओ. तो जगह क्या होगी? आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस. यस, जहाँ पे आपकी कंपनी है वहां के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको कर लेनी है एजीएम. लेकिन हमारा जो आरओ है ना, वो तो बड़ा सा निकला, छोटा स्मॉल है, और कंपनी में ढेर सारे मेंबर्स है, तो कहाँ बिठाएंगे लोगों को? इन दैट केस आपको बोलता है आप किसी भी जगह कर दो जहाँ पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. अगर सिटी में सिचुएटेड है तो उस सिटी में किसी भी जगह कर दो, टाउन में सिचुएटेड है तो उस टाउन में किसी भी जगह कर दो, विलेज में सिचुएटेड है तो उस विलेज में किसी भी जगह आप आपकी एजीएम कंडक्ट करा सकते हो. इन शॉर्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस से तो ठीक है, नहीं तो किसी भी जगह जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, सिटी, टाउन और विलेज. अगर मेरी कंपनी ना अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आप आपकी एजीएम इंडिया में किसी भी जगह करा सकते हो. मतलब मैम, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस जिस जगह है उस जगह कराना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, इधर बोला गया है आप आपकी एजीएम पूरे भारत में किसी भी जगह करा सकते हो, लेकिन हमें सारी मेंबर्स की कंसेंट चाहिए. अगर 100% ऑफ द मेंबर्स ने बोल दिया कि आप इंडिया में किसी भी जगह करा सकते हो, इन दैट केस आप करा सकते हो. अभी मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस तो है राजस्थान में, ठीक है, बट मेरा मन है कि इस बार जो मेरी कंपनी की एजीएम हो ना, वो महाराष्ट्र में हो, तो क्या महाराष्ट्र में हो सकती? यस, हो सकती, प्रोवाइडेड 100% ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल होता है अगर मेंबर्स ज्यादा है. लेकिन मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ मैं और मेरा भाई दोनों ही शेयर होल्डर है. इन दैट केस हमने सोचा कि ठीक है, महाराष्ट्र घूम भी लेंगे और वहीं पर ही एजीएम कर लेंगे. मैंने भी अपनी कंसेंट दे दी, उसने भी अपनी कंसेंट दे दी, तो हम दोनों मिलकर एजीएम करा सकते हैं इन महाराष्ट्र, राइट? तो मैं किसी भी जगह करा सकती हूँ, लेकिन वो अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और सारे मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. नेक्स्ट है आपका कि अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो किधर एजीएम होगी. तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है, अपना उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर किसी भी जगह पे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है. किसने अप्रूवल दी है, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है. या फिर किसी भी जगह, सिटी, टाउन और विलेज जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. दो केसेस तो सेम है, एक केस एक्स्ट्रा क्या निकला, गवर्नमेंट कंपनी पे कोई भी जगह जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है. अगर मेरी कंपनी तो बड़ी कंपनी, यानी कि लिस्टेड कंपनी है, शेयर्स लिस्टेड है, तो मुझे सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को 24 आवर्स के अंदर अंदर. एजीएम हुआ उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको हर एक चीज लिस्टेड कंपनी को डिस्क्लोज करनी होती है स्टॉक एक्सचेंज को. अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी के केस में क्या होगा, सेम टाइम डे प्लेस क्या होगा जो कि बोर्ड ने बताया. यस, यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया है वही टाइम होगा. तो क्या मैं रात में 2 बजे मीटिंग करा सकती हूँ? यस, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अग्री करे तो कर सकती हूँ. क्या मैं किसी भी दिन पे मीटिंग करा सकती हूँ? यस, अगर BOD ने अग्री किया तो करा सकती हूँ. किसी भी जगह करा सकते हो? यस, जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बताया, किसी भी जगह, किसी भी टाइम और किसी भी दिन पे मीटिंग करवा सकते हो, क्योंकि आप तो कंपनी हो. कौन सी? सेक्शन 8 कंपनी हो. सेक्शन 8 कंपनी दो चैरिटी के लिए फॉर्म हुई, तो आपके पास ये एडवांटेज रहेगा. देखो बच्चा, जो आप एजीएम करते हो ना, एजीएम क्यों करी जाती है, ये दिमाग में सवाल होना चाहिए. तो एजीएम 4 कारणों के लिए की जाती है. यस, सिर्फ 4 कारणों के लिए हम करते हैं एजीएम.
इन बिजनेस के अलावा हम कोई भी बिजनेस डिस्कस नहीं करते, इन कारणों को हम बोलते बिजनेस। और ये कैसे बिजनेस, ये होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस जो हर साल करना डिस्कस जरूरी होता है। इन ऑर्डिनरी बिजनेस को मैं प्यार से बुलाती हूँ अड्डा। कौन सा अड्डा, अभी देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तब तक के लिए नजर डाल दो ऑर्डिनरी बिजनेस पे जो यहाँ पे चार पॉइंट्स लिखे हुए। मैं अपने गले की प्यास बुझा दूं। देखो, ए से बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। यस, अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है। डी से बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एक और डी से बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। एंड लास्ट में बोलते हैं कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। ये है आपका अड्डा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये चार बिजनेस डिस्कस किए जाते हैं एजीएम में। इनके अलावा अगर कोई भी बिजनेस डिस्कस किया जाता है तो उसे हम ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं, उसे हम बोलते स्पेशल बिजनेस। क्या बिजनेस है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। अगर डायरेक्टर अपॉइंट करने, जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे उनकी जगह। दूसरा, ऑडिटर को अपॉइंट करना है और ऑडिटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है। डिविडेंड को डिक्लेयर करना है आपको, या फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी बोर्ड रिपोर्ट है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट ऐड कर लेना, उसे क्या करना है आपको अडॉप्ट करना है। तो ये कब होगा? ये होगा इन द केस ऑफ ओनली एजीएम। एजीएम के अलावा नहीं होगा। आप दोनों तरह से याद कर सकते हो, आप याद कर सकते हो दादा को भी और आप याद कर सकते हो अड्डा को भी। जो आपको अच्छा लगे उसे याद कर लेना, पर याद जरूर करना कि ये चार ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। मैं अड्डा से समझाती हूँ। ए से है हमारा अपॉइंटमेंट इन रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, डी से अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एक और डी से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एक और ए से है अडॉप्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल। चार बिजनेस आपका डिस्कस करते हो एजीएम में, डिस्कस करते हैं हम लोग। ये चार बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस है उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस बोलेंगे। नेक्स्ट है अपना, अगर आपने एजीएम के रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं किया, यानी कि टाइम पीरियड के अंदर अंदर एजीएम नहीं किया है आपने, आप लेट होते गए हो, इन दैट केस क्या क्या होगा आपके साथ? तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पेनल्टी लगेगी कंपनी पे और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। कितनी लगेगी? 1,00,000 रुपए तक का फाइन लगेगा, और साथ ही में फाइन लगेगा 5,000 रुपीज पर डे जब तक कि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, यानी कि जब तक कि आप एजीएम नहीं कर लेते वो लास्ट डे तक 5,000 रुपीज पर डे लगेगा। तो 1,00,000 रुपए प्लस 5,000 पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यू, ये आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर आपने एजीएम के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया है। ये याद रख लेना, अगर याद हो जाए तो, बिकॉज ए की पेनल्टी एंड मे बी इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, तो हम इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या क्या एसेंशियल, अगर मेरे को एक वैलिड मीटिंग करानी है तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? तो आपको 3 C का याद रखना है, यानी कि आपकी मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वेन्ड, properly constituted and properly conducted। आपकी मीटिंग प्रॉपर तरह से बुलाई गई हो, प्रॉपर तरह से मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करी, और लास्टली प्रॉपर तरह से आपकी मीटिंग को हमने कंडक्ट किया है। प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। प्रॉपरली कन्वीन्ड में मैं ये कह सकती हूँ कि जो अथॉरिटी मीटिंग बुला रही है उन्होंने प्रॉपर तरीके से मीटिंग बुलाया है। और मीटिंग कौन बुला सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एनी अदर पर्सन एज डिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड, बोर्ड ने जिसे बोला है। प्रॉपर तरह से आपको नोटिस भेजना है सारे के सारे मेंबर्स को। जो टाइम पीरियड है, यानी कि 21 क्लियर डेज पहले आपको नोटिस भेजना है सब मेंबर्स को। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूट किया, यानी कि जब आपकी मीटिंग हो रही है तो कोरम आई हो। कोरम यानी कि हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, कोरम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि जरूरी है आपकी मीटिंग करने के लिए, प्रॉपर कोरम आई हो और चेयरमैन भी प्रेजेंट हो। प्रॉपरली कंडक्टेड यानी कि सही तरह से कंडक्ट करा कि आपने मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास होने के बाद प्रॉपरली हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मेंटेन किए है। ये चीजें 3 एसेंशियल है आपकी वैलिड मीटिंग के लिए। कौन से 3 एसेंशियल है? ट्रिपल सी, यानी कि प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। कैसे प्रॉपरली कन्वीन करोगे? देखोगे प्रॉपर अथॉरिटी ने बुलाया और प्रॉपर नोटिस गया है, करेक्ट।
प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि कोरम प्रॉपर आनी चाहिए और चेयरमैन प्रॉपर होगा, कंडक्टेड में रिजोल्यूशन देखेंगे और मिनट्स देखेंगे मीटिंग के, ये तीन एसेंशियल्स है अपनी वैलिड मीटिंग के। बस इतना सा ही था हमारा AGM के बारे में, विच इज एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, जो बात करता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 96। मेरे साथ रिपीट करो, बोलते जाओ, आपको सेक्शंस याद होते जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा दिमाग में घुसेगा, बोलो, चीख चीख के चिल्लाओ, सबको बता दो कि तुम पढ़ रहे हो। लास्ट के एक दो महीने हैं, अपना पूरा 100% लगा दो, खुद को पूरा जकोल दो पढ़ाई में, और पढ़ाई के अलावा ना तुम्हें कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अभी दिन रात एक करके ना सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ दो सब्जेक्ट्स को ऐसा बना दो कि हम एग्जेम्पशन लाके रहेंगे। बिलीव मी, पार्ट बी के ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है एंड काफी स्कोरिंग है, बी इट ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट, बी इट न्यू सिलेबस स्टूडेंट। तो दिमाग इधर लगाओ, फोकस इधर रखना, और फोन तो बिल्कुल मत चलाना है लेक्चर देखते टाइम, राइट। आपका EGM खत्म हो गया है, हम पढ़ेंगे EGM विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या, तो EGM के अलावा जब भी आप कोई भी मीटिंग करना चाहते हो तो उन्हें हम प्यार से बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का सेक्शन है 100। क्या सेक्शन है? सेक्शन 100। AGM का सेक्शन क्या था? सेक्शन 96। EGM का सेक्शन है आपका सेक्शन 100। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में कौन सा बिजनेस डिस्कस होता है मैम? AGM में तो आपने बताया था कि ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होता है, EGM में आपका डिस्कस होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस, यानी कि वो चार चीजें अड्डा, उनके अलावा जो भी चीज आप डिस्कस करना चाहते हो वो आप डिस्कस करोगे EGM में, और उन बिजनेस को हम बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। ध्यान रखना, EGM सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए ही बुलाई जाती है। यहाँ पे मैंने दे रखा है एनी जनरल मीटिंग अदर देन AGM, उसे हम नाम देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप क्यों बुलाते हो? स्पेशल बिजनेस को डिस्कस करने के लिए। एंड ये NCLT को ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है, और मेंबर्स खुद भी EGM को बुला सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं, ट्रिब्यूनल भी बुला सकता है, और मेंबर्स भी EGM बुला सकता है। आप देख रहे हो तीन तीन अथॉरिटीज है EGM बुलाने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं EGM, ट्रिब्यूनल भी बुला सकते हैं, और मेंबर्स भी EGM बुला सकते हैं। मेंबर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन पर EGM को कंडक्ट करवा सकते हैं। ध्यान रखना, ये रहा हमारा EGM। बहुत ही प्यारा सा फ्लो चार्ट बना है जिसमें आपको EGM समझ आ गया होगा। अभी आप किस चार तरीके से EGM कर सकते हो हम वो देखेंगे। पहला है EGM को बुला रहे हैं बोर्ड, यानी कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये खुद से EGM बुला रहे, उन्हें लगता है कोई ऐसा मैटर है जो उसे डिस्कस करना है तो वो खुद से EGM बुलाएंगे। EGM कहाँ बुलाई जाएगी? अरे इंडिया में किसी भी जगह AGM जैसा नहीं है। EGM में EGM इंडिया में किसी भी जगह बुला सकते हो। ये एक कंपनी है जो कि होली ऑन सब्सिडरी ऐसी कंपनी की जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, यानी कि विदेशी कंपनी है। तो अगर इस होली ऑन सब्सिडरी की EGM हो रही है तो ये EGM आउटसाइड इंडिया होगी, बिकॉज इसको पूरा का पूरा कौन ओन कर रहा है? विदेशी कंपनी ओन करी। इन दैट केस इसकी EGM एट एनी प्लेस इन इंडिया की जगह आउटसाइड इंडिया होगी। अभी पहले बुलाया बोर्ड ने, जो शेयर होल्डर्स है वो चाहते हैं EGM बुलाई जाए, तो वो बोर्ड को जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज EGM बुलाओ। तो रिक्वेस्ट कौन करेगा? अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिस इज हैविंग शेयर कैपिटल, इन दैट केस 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होल्डर्स, और कंपनी ऐसी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वाले लोग राइटिंग में एप्लीकेशन भेजेंगे, साइन करेंगे वहां पे, और भेजेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है या तो उन्हें एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर? 21 डेज के अंदर अंदर करना है, और मीटिंग को बुला लेना है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैक्सिमम 45 डेज के अंदर अंदर उन्हें क्या करनी है? मीटिंग को बुला लेनी है, मेंबर्स आएंगे और EGM कंडक्ट होगी। लास्टली हम पढ़ेंगे कि इन जो रिक्विजनिस्ट है, रिक्विजनिस्ट मतलब ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, रिक्वेस्ट करने पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट नहीं करा रहा है। क्या टाइम था मैक्सिमम आपको 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग करानी? इन्होंने वेट किया 45 डेज के अंदर अंदर, कोई मीटिंग नहीं हुई है। इन दैट केस ये खुद से रिक्वेस्ट जाएंगे और AGM कंडक्ट करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर, जहां से रिक्वेस्ट करिए।
तो जब से उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करी, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर वो खुद ईजीएम कंडक्ट कर लेंगे। और ध्यान रखना, ईजीएम का जो भी खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगी हमारी प्यारी कंपनी, बिकॉज मीटिंग तो कंपनी के लिए हो रही है। ये जो फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ बीओडी है, मेंबर्स बियर नहीं करेंगे, खर्चा बियर करेगा कंपनी। तीन तरह से हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद मीटिंग बुला सकते हैं किसी भी जगह इंडिया में। अगर आपकी कंपनी होली ऑन सब्सिडियरी आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी की, फॉरेन कंपनी, इन दैट केस हम हमारी कंपनी की ईजीएम आउटसाइड इंडिया कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुला रहे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। रिक्वेस्ट करेंगे शेयर होल्डर, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। राइटिंग में रिक्वेस्ट करेंगे, साइन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सेप्ट करना है या फिर डिनाई करना है, और मैक्सिमम 45 डेज के अंदर अंदर उसे क्या करना है, मीटिंग को होल्ड कर देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 45 डेज के अंदर अंदर अपनी मीटिंग होल्ड नहीं कर पाए तो रिक्वेस्टनेस्ट खुद ये मैटर अपने हाथ में ले लेंगे और बोलेंगे हम ईजीएम कंडक्ट करवाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर। जो भी खर्चा पानी होगा वो कौन बियर करेगा? खर्चा बियर करेगा हमारी कंपनी। दिस इज ऑल अबाउट ईजीएम। अभी तक हमने एजीएम पढ़ लिया, ईजीएम पढ़ लिया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोटिस। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना। अगर साथ में लेकर पहले ही बैठे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी चुपचाप उठ के कॉपी पेन लेकर आओ, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। मेरी शक्ल मत देखो, जाके कॉपी पेन लेकर आओ, बिकॉज हम यहाँ पे सेक्शंस लिखने वाले हैं और याद करने वाले हैं। सी, आपको क्या करना है, जितने भी सेक्शंस यहाँ पे साथ में चल रहे हैं, यहाँ पे डालना है सेक्शन नंबर एंड लिखना है वो सेक्शन क्या बात करता है। जैसे कि सेक्शन 96, सेक्शन 100, सेक्शन 101। सेक्शन 96 बात करता है ईजीएम की, सेक्शन 100 बात करता है ईजीएम की मैम, और सेक्शन 101 बात करता है नोटिस की। ये मेरे संग लिखते जाओगे, आप लोग कॉपी पेन ले लो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके इस चैप्टर की सेक्शन की लिस्ट बनती जाएगी। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, उसमें भी करना है, नहीं किया होगा तो ठीक है, लेकिन अभी से स्टार्ट कर दो, लिस्ट बनाते जाओ सेक्शन की। सेक्शन याद होंगे तो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए, राइट। तो नोटिस हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 101 में। नोटिस हमने देखा कि सभी को नोटिस भेजना है, पर कितने दिन पहले नोटिस भेजना है? तो नोटिस आपको भेजना है 21 क्लियर डेज पहले। ध्यान रखना यहाँ पर 21 क्लियर डेज है, 21 क्लियर डेज पहले आपको नोटिस भेजना है। यानी कि डे ऑफ मीटिंग और जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो वो दोनों दिन इंक्लूड नहीं होंगे। अगर मैं मीटिंग भेज रही हूँ आज 1 जनवरी 2024 को और मेरी जो कंपनी है उसकी मीटिंग हो रही है 25 जनवरी 2024 को, तो 21 डेज को काउंट करते टाइम इन दोनों दिन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जिस दिन नोटिस भेज रहे हो और जिस दिन मीटिंग हो रही है उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा ओके, किस किस को नोटिस जाता है? तो नोटिस यहाँ पर भी जाता है मैड को। मैड कौन? मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये था आपके लिए फिल करने के लिए। मेंबर्स भी, ऑडिटर्स भी और डायरेक्टर्स भी, तीनों को नोटिस जाता है। तो जैसे बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती थी, क्या जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती? क्या 21 डेज पहले नोटिस भेजा नहीं तो चलेगा क्या? सिर्फ 5 दिन पहले नोटिस भेजा तो चलेगा क्या? यस, जनरल मीटिंग भी आप शॉर्टर नोटिस पे कर सकते हो। तो दो केसेस हम पढ़ेंगे, ईजीएम को शॉर्टर नोटिस पे करना है तो क्या होगा, और ईजीएम को शॉर्टर नोटिस पे करना है तो क्या होगा। ये जो 21 डेज की लिमिट है ये एजीएम और ईजीएम दोनों के लिए है। दोनों के लिए आपको 21 डेज पहले आपको नोटिस भेजना पड़ता है। तो शॉर्टर नोटिस के लिए क्या केस बोला है बेटा? शॉर्टर नोटिस के लिए यहाँ पे बोला है एजीएम आपको शॉर्टर नोटिस में करनी है तो आपको रिटर्न कंसेंट चाहिए। राइटिंग में कितने लोगों की कंसेंट चाहिए? 95% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। तो अगर आज मेरी कंपनी में 1000 मेंबर्स है तो मुझे 950 मेंबर्स की रिटर्न में कंसेंट चाहिए कि हम रेडी है शॉर्टर नोटिस पे कोई भी काम करने के लिए, राइट। ये कब हो रहा है? ये अपना सिर्फ और सिर्फ हो रहा है ईजीएम के केस में। यस, कौन से केस में होगा ये? आपका सिर्फ और सिर्फ ईजीएम के केस में होगा। कितने लोगों की? 95% ऑफ द टोटल मेंबर्स की मुझे राइटिंग में कंसेंट चाहिए। तो मैम ईजीएम में तो क्या होगा? ईजीएम का भी बताते। देखो, दो तरह की कंपनी हो सकती है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो रिटर्न कंसेंट चाहिए 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्डर्स, ऐसे लोग जिन्होंने 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो रिटर्न कंसेंट ऑफ द मेंबर्स हैविंग 95% ऑफ टोटल
वोटिंग राइट्स, ऐसा कुछ आपने पहले भी पढ़ा था, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दिमाग को दौड़ाओ और रिलेट करते जाओ, ये हमने पढ़ा था। 1/10 की लिमिट पढ़ी थी, अगर 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स, कहाँ पढ़ा था सोचो और मुझे बताओगे। राइट, एजीएम का केस है तो 95% ऑफ टोटल मेंबर्स की आपको रिटर्न में कंसेंट चाहिए जो वोट देने के एंटाइटल है। ईजीएम है तो हैविंग शेयर कैपिटल में 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 95% ऑफ टोटल वोटिंग राइट। अब आता है कि नोटिस आप कैसे भेज सकते हो, तो नोटिस जा सकता है आपके स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक वे से, हैंड डिलीवरी से, आप किसी भी तरह से नोटिस को आप भेज सकते हो। पर ये बताओ कि नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा होगा, तो नोटिस की कॉन्टेंट्स पढ़ेंगे हम। नोटिस के अंदर ये लिखा होगा कि आपको किस जगह आना है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, डे क्या है, एजेंडा क्या है। देखो जैसे कि तुम्हें किसी की शादी में जाना होता है, यस, किसी की शादी में जाना होता है, तो तुम्हारे पास आता है एक इनविटेशन कार्ड। राइट, उस इनविटेशन कार्ड में पहले से ही लिखा होता है कि किस जगह आना है, किस टाइम पे आना है, किस दिन आना है और आप क्यों कर रहे हो। जरूरी नहीं कि इनविटेशन कार्ड शादी का हो सकता है, बर्थडे का हो, किसी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हो, तो उसमें लिखा होता है एजेंडा क्यों आना है। ठीक है, शादी में अलग अलग फंक्शंस भी लिखे हुए होते हैं, वो क्या होता है, एजेंडा होता है। वैसे ही आपकी कंपनी सारे मेंबर्स के साथ मीटिंग करना चाहती है तो उसमें भी ये कॉमन सी बात ही होगी। प्लेस लिखा होगा कि किस जगह होगा, प्लेस तो हमें पता है, एजीएम कहाँ हो सकती है वही लिखा होगा आपका, एजीएम तो किसी भी जगह हो सकती है इंडिया में तो वो लिखा होगा। टाइम, एजीएम के केस में हमें पता है बिजनेस आवर्स यानी कि 9 AM टू 6 PM के बीच में, एजीएम तो किसी भी टाइम पे लिख सकते हो। डे, एजीएम में एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे, एजीएम किसी भी दिन हो सकती है। एजेंडा लिखा होगा कि आप मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हो, तो वो पॉइंट्स लिखे होते हैं आपके नोटिस के अंदर कि हम ये चीजें डिस्कस करने वाले। और कुछ रूल्स होते हैं रिगार्डिंग प्रॉक्सी, प्रॉक्सी हम पूरा आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मान लो कि मैं गलती से किसी एक मेंबर को नोटिस देना भूल गई, अभी कंपनी है इतने सारे मेंबर्स है तो एक मेंबर को नोटिस देना रह गया, तो क्या उससे मीटिंग में जो भी सारे डिस्कशन हुए हैं वो सब इनवैलिड हो जाएंगे क्या, क्या वो सब वॉइड हो जाएंगे क्या? मुझे जवाब आप लोगों से चाहिए, क्या वो सब इनवैलिड हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बेटा, वो बिल्कुल इनवैलिड नहीं होंगे। सी, अगर आपने बोर्ड मीटिंग में देखा हो तो बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, आप एक डायरेक्टर को नोटिस देना भूल गए हो और वो डायरेक्टर मीटिंग में भी नहीं आया है, तो वहां पे क्या हो जाता था, आपकी मीटिंग इनवैलिड हो जाती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेंबर्स तो अनंत सारे, बहुत सारे, एक मेंबर को नोटिस देना रह भी गया तो आपकी मीटिंग इनवैलिड नहीं कहलाएगी। अभी मान लो आपके पास शादी का इन्विटेशन कार्ड आने वाला था बट आया नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं शादी ब्याह में, ऐसा होता है कि गलती से एक दो मेंबर्स रह जाते हैं, तो आपके पास शादी का इनविटेशन कार्ड आया नहीं, डज इट मीन कि उनकी जो शादी हुई वो इनवैलिड हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। वैसा ही केस यहाँ पे है जनरल मीटिंग के केस में, अगर कोई मेंबर है जिसको नोटिस देना रह जाता है तो उससे मीटिंग की प्रोसीडिंग्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीटिंग जैसी थी वैसी ही मानेंगे, मीटिंग वैलिड ही रहेगी, इनवैलिड नहीं रहेगी। बहुत जोर से बिजलियां चमक रही है हमारे यहाँ पे। ओके राइट, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले कोरम के बारे में। विजय, कोरम मतलब क्या, मिनिमम इतने लोग तो आने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ वैलिड मीटिंग। अभी दो तरह से हम देखेंगे, अगर मेरी पब्लिक कंपनी है तो कितने लोग होने चाहिए, अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो कितने लोग होने चाहिए। पहला, पब्लिक कंपनी के केस में, अगर मेरी कंपनी में मैक्सिमम जो मेंबर्स है वो कितने हैं, 1000 है, यानी कि 1000 से ज्यादा नहीं है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मेरी कंपनी में मेंबर्स 1000 से ज्यादा है बट 5000 तक है, अप टू 5000 है, तो 15 मेंबर्स पर्सनली होने चाहिए। कोरम के लिए कितने लोग होने चाहिए, 15 होने चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा है तो कोरम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मिनिमम 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होंगे, ये याद होना चाहिए। सी, अगर आपकी कंपनी में नॉट मोर देन 1000 से ज्यादा नहीं है तो क्या अप टू 1000 है, मोर देन 1000 लेकिन अप टू 5000 है, और यहाँ पे मोर देन 5000 है, तो क्या है 5, 15, 30, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 15 मेंबर्स और 30 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट। अगर आपको कोरम करनी है तो दिस लिमिट शुड आल्सो बी रिमेंबर्ड बाय यू, एंड इसे भी आप मार्क करोगी, इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्टार क्वेश्चन।
राइट कितने मेंबर्स है मेरे साथ रिपीट करो, अगर मेरी कंपनी में अप टू 1000 तक ही मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होंगे, 1000 से ज्यादा है बट 5000 तक है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5000 से भी ज्यादा है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एक फोरम बनाने के लिए। अगर मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी इन दैट केस इट वुड बी सफिशियंट, अगर 2 मेंबर्स ही पर्सनली प्रेजेंट है तो भी हम मान लेंगे कि वो कोरम हो गई है। लेकिन ध्यान रखना जनरल मीटिंग की कोरम के केस में देखो ये कोरम दी गई है सेक्शन 103 से विच इज 2 मेंबर्स, लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स में कुछ हाइयर नंबर दे रखा है यानी कि मैंने आर्टिकल्स में लिख रखा है कि मेरी कंपनी में तो 4 मेंबर्स आएंगे तभी मैं मानूंगी कोरम है, तो यहाँ पे कोरम 4 मेंबर्स की मानी जाएगी ना कि 2 मेंबर्स की, बिकॉज सीधा सीधा बोला है विच एवर इज हायर, तो 2 मेंबर्स की जगह हम मानेंगे प्राइवेट कंपनी की कोरम 4 मेंबर्स रहेगी। कोरम कोरम का सेक्शन 103 चार सेक्शंस पढ़े नोट कर रहे हो ना आप लोग, यस सेक्शन 96 एजीएम, सेक्शन 100 ईजीएम, सेक्शन 101 नोटिस एंड सेक्शन 103 है हमारा कोरम। सेक्शन 102 जो बीच में रह गया वो भी हम आगे पढ़ेंगे जो कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। क्या हुआ है अभी आपने मीटिंग बुलाई पर मीटिंग में जो कोरम की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो फिर क्या होगा, क्या मीटिंग होगी क्या? जी बिल्कुल नहीं, अगर आपने मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में कोरम नहीं आया है जितना रिक्वायर्ड था, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स चाहिए थे, अगर पब्लिक कंपनी है तो मेंबर्स पे डिपेंड करता है, मेरी कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 1000 से ज्यादा है पर 5000 तक है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, और मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, पर अभी कोरम नहीं आई है इन दैट केस मेरी मीटिंग हो जाएगी एडजर्न्ड, एडजर्न मतलब पोस्टपोन्ड हो जाएगी, हम लोग कोरम का वेट करेंगे कि वो लोग आ जाए कब तक वेट करेंगे, हाफ आवर तक वेट करेंगे, हाफ आवर तक भी आपकी कोरम नहीं आती इन दैट केस आपकी मीटिंग एडजर्न हो जाएगी सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस बट नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे आपकी मीटिंग एडजर्न हो जाएगी या फिर और कोई दिन टाइम प्लेस जैसा कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। आपको ध्यान है हमने ईजीएम पढ़ा था और ईजीएम में थी एक मीटिंग जो कि रिक्विजिटनिस्ट बुलाते हैं यानी कि शेयर होल्डर्स बुलाते हैं, अगर उन्होंने ईजीएम में ऐसी कोई मीटिंग बुलाई और उस केस में कोई कोरम नहीं आई है तो वो मीटिंग एडजर्न नहीं होती बच्चा, वो मीटिंग डायरेक्ट कैंसिल हो जाती है। क्यों एडजर्न नहीं होती, बाकी तो एडजर्न होती थी। सी आप खुद ही मीटिंग बुला रहे हो और आपकी कोरम ही नहीं आ रही, इन दैट केस हम मीटिंग को डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, राइट। अच्छा मान लो आपकी मीटिंग एडजर्न हो गई और एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई है, इन दैट केस जितने लोग होंगे उस मीटिंग में उन्हीं को हम मान लेंगे कि वही कोरम है, लेकिन ध्यान रहे दे शुड नॉट बी लेस देन 2 यानी कि कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। कोरम में हमने ये देखा कि अगर आपकी कोरम हाफ आवर के अंदर अंदर नहीं आती है तो हम मानेंगे कि हमारी मीटिंग एडजर्न हो गई है सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे लेकिन नेक्स्ट वीक पे या फिर ऐसा कोई टाइम जो बीओडी ने बताया है। एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई, इन दैट केस जितने लोग प्रेजेंट है मीटिंग में उन्हीं को हम मान लेंगे कोरम है लेकिन कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर रिक्विजिटनिस्ट ने खुद ने मीटिंग बुलाई थी बट क्या हुआ है कोरम नहीं आ गई, इन दैट केस आपकी मीटिंग कैंसिल होगी, मीटिंग एडजर्न नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा जो एडजर्न मीटिंग होगी उसका नोटिस जाएगा क्या, यस कंपनी नोटिस देगी एडजर्न मीटिंग का 3 डेज पहले सारे के सारे मेंबर्स को इंडिविजुअली, या फिर अगर उसे नोटिस नहीं देना है इन दैट केस क्या करो आप एडवर्टाइजमेंट करवा दो 2 न्यूज़पेपर्स में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में। ये कब हो रहा है, अगर आपकी मीटिंग एडजर्न हो गई है सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे लेकिन नेक्स्ट वीक में, इन दैट केस आपको 3 दिन पहले नोटिस देना है सारे मेंबर्स को या फिर एडवर्टाइजमेंट करा दो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में। अगर आपकी मीटिंग एडजर्न हुई है 30 दिन या ज्यादा दिनों के लिए इन दैट केस आपको नोटिस देना है लेकिन 21 डेज प्रायर नोटिस चाहेगा, जैसा कि एक्चुअली में जब जाता था जीएम और ईजीएम के केस में 21 दिन पहले आपको नोटिस देना है सारे मेंबर्स को जब आपकी मीटिंग एडजर्न हुई है 30 डेज से ज्यादा के लिए। अभी एडजर्न मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ अनफिनिश्ड बिजनेस मैटर्स ही डिस्कस किए जाएंगे,
कोई भी नया बिजनेस मैटर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। जो भी रेजोल्यूशन पास किया है आपने एडजर्न मीटिंग में, उसकी डेट क्या होगी? जिस दिन एडजर्न मीटिंग थी, ओरिजिनल मीटिंग की डेट हम नहीं लिखेंगे, जिस दिन एडजर्न मीटिंग थी, जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया गया वही डेट लिखी जाएगी, उससे पहले वाली कोई भी डेट लिखी हुई नहीं जाएगी। ऐसा माना जाएगा जो ओरिजिनल मीटिंग थी उसके ही कंटिन्यूएशन में हमने क्या किया है, एडजर्न मीटिंग करी है। सो अगर आपकी मीटिंग एडजर्न हुई है सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे लेकिन अगले हफ्ते, तो 3 दिन पहले नोटिस जाएगा। या फिर आपको नोटिस नहीं भेजना तो भैया एडवर्टाइजमेंट करवा लो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नेक्यूलर न्यूज़पेपर में। लेकिन आपकी मीटिंग एडजर्न हो गई है 30 डेज या फिर उससे ज्यादा के लिए, इन दैट केस 21 डेज पहले आपको नोटिस भेजना है। एडजर्न मीटिंग में सिर्फ अनफिनिश्ड बिजनेस मैटर्स ही डिस्कस किए जाएंगे, कोई और नया मैटर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। जो भी रेजोल्यूशन पास किया है एडजर्न मीटिंग में उसे हम ऐसा मानेंगे जैसे कि वो एडजर्न मीटिंग में ही पास किया, ओरिजिनल मीटिंग में पास नहीं किया गया है। बस इतनी सी बात कहते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन 104 विच इज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। लिखो सेक्शन 104 चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अपनी कॉपी में लिखो। चेयरमैन कौन होगा भैया? तो ये चेयरमैन होगा जिसका नाम प्रिस्क्राइब है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, उसे हम बोलेंगे चेयरमैन। अगर मान लो ये जो चेयरमैन है हमने उसे अपॉइंट कर रखा है लेकिन जो टाइम है उसमें वो 15 मिनट के अंदर अंदर नहीं आया, मतलब हम 15 मिनट्स तक चेयरमैन का वेट करते हैं कि चेयरमैन आ जाएगा लेकिन चेयरमैन आया ही नहीं 15 मिनट तक हमने वेट किया, या फिर वो प्रेजेंट है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है चेयरमैन की तरह एक्ट करने की, इन दैट केस जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो अपने में से ही किसी एक पर्सन को सेलेक्ट कर देंगे एज अ चेयरमैन। ध्यान रखना, हम चेयरमैन का वेट करते हैं जो भी अपॉइंटेड टाइम है वहां से 15 मिनट्स तक वो नहीं आता है, तो BOD अपने में से ही एक पर्सन को चेयरमैन सेलेक्ट कर देंगे। वही बोला गया यहाँ पे, मेंबर्स जो भी प्रेजेंट है वो अपने में से किसी एक को सेलेक्ट कर देंगे चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड्स, वो बता देंगे कि वो किसके लिए राजी है कि ये पर्सन चेयरमैन बने। अच्छा, आपकी मीटिंग एडजर्न कब कब हो सकती है? पहला केस हमने पढ़ा कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो हम मीटिंग को एडजर्न कर लेंगे, तो चेयरमैन जो है मीटिंग को एडजर्न कर सकता है अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है। ये जो पावर है किसके पास है? चेयरमैन के पास पावर है कि वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, बिना मेंबर्स की कंसेंट के वो मीटिंग एडजर्न कर सकता है। मान लो कोरम प्रेजेंट है लेकिन चेयरमैन को लगता है मीटिंग एडजर्न होनी चाहिए किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से, इन दैट केस भी चेयरमैन मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसे मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, मेंबर्स से पूछना पड़ेगा क्योंकि बेटा यहाँ पे कोरम प्रेजेंट है। पिछले वाले केस में कोरम ही नहीं थी तो चेयरमैन एडजर्न कर सकता था बिना उनसे कुछ पूछे हुए, लेकिन अगर कोरम प्रेजेंट है तो मेंबर्स की कंसेंट लो फिर आप मीटिंग को एडजर्न कर सकते हो। ठीक है, फंक्शंस क्या होंगे, चेयरमैन का काम क्या होगा? तो अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो गया तो वो डिक्लेयर करेगा दैट सो एंड सो रिजोल्यूशन पास हो चुका है, फिर वो बताएगा कि कोरम आज प्रेजेंट है या नहीं। अगर मीटिंग को एडजर्न करना है तो चेयरमैन बोलेगा कि हम मीटिंग को एडजर्न कर रहे हैं इस रीजन की वजह से, और चेयरमैन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कास्टिंग वोट का एक्सरसाइज करना। आगे मैं बताने वाली हूँ कि कास्टिंग वोट क्या होता है। सेकेंडली वो देखता है कि जो प्रॉक्सी आई है, जो प्रॉक्सी फॉर्म आया है वो वैलिड है या फिर नहीं है, और अगर कोई डिमांड करता है पोल के लिए तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ चेयरमैन, एक बार रीड कर लेना। राइट, अभी मैंने तुम्हें बताया था कास्टिंग वोट के बारे में। अभी कास्टिंग वोट क्या होता है, देखो अगर कोई रेजोल्यूशन पास करवाया है लेकिन फेवर में जो वोट्स आए अगेंस्ट में जो वोट्स है दोनों ही इक्वल है, यानी कि 50 लोग फेवर में बोल रहे हैं 50 वोट अगेंस्ट में बोल रहे हैं, इन दैट केस हम क्या करेंगे? तो वहां पे हम चेयरमैन को बोलते कि आप अपना वोट दो, जहां पे चेयरमैन वोट देता है उसे हम फाइनल मानते हैं। लेट्स अज्यूम कि चेयरमैन ने वोट दे दिया है फेवर में, तो हम मानेंगे कि रेजोल्यूशन फेवर में पास हो चुका है। तो कास्टिंग वोट का हम बोलते हैं टाई ब्रेकर वोट। ये चेयरमैन तब भी एक्सरसाइज करता है जब इक्वल आ रहा है वोट्स इन फेवर और वोट्स इन अगेंस्ट, एकदम इक्वल आ रहा है तब चेयरमैन एक्सरसाइज करता है, उसकी पावर एक्सरसाइज करता है वोट को कास्ट करने की। अनटिल एंड अनलेस ऐसा नहीं है तो चेयरमैन कास्टिंग वोट का यूज नहीं कर सकता। एज अ मेंबर वो वोट कर सकता है लेकिन कास्टिंग वोट वो कब करेगा? अगर वोट्स इन फेवर इज इक्वल टू वोट्स इन अगेंस्ट तब वो कास्टिंग वोट का यूज करता है। ये भी एक फंक्शन था चेयरमैन का।
नेक्स्ट हमारा सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये सेक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है स्पेशल बिजनेस के साथ। अभी मैम स्पेशल बिजनेस क्या, तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो भी बिजनेस आप डिस्कस कर रहे हो उसे हम बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस अभी पढ़ा तो था, हाँ तो बताओ क्या हुआ ऑर्डिनरी बिजनेस। अरे वो चार जो आपने बताए थे, अड्डा, ए से था हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, डी से था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एक और डी से था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन, एंड ए से था कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। ये चारों के अलावा जो भी बिजनेस है उसे हम बोलेंगे स्पेशल बिजनेस। और मैम हमें पता है, हम इतने बुद्धू भी नहीं है, स्पेशल बिजनेस डिस्कस किए जाते हैं ईजीएम में, राइट? तो ईजीएम का जब नोटिस जाता है ना बेटा, तो नोटिस के साथ जाती है एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नोटिस का सेक्शन क्या, देखो देखो कॉपी में लिखा हुआ है, नोटिस का सेक्शन है सेक्शन 101, एक्सप्लेनेटरी सेक्शन क्या है 102। याद हो गया, ये तो सेक्शन 101 नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है सेक्शन 102। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर सारे फैक्ट्स होते हैं जो रिलेटेड है, जो भी बिजनेस हमने मीटिंग में प्रपोज किए, जो भी हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स हम लोग लिखते हैं। बिजनेस मतलब जो भी एजेंडा वाले पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड सारे मटेरियल फैक्ट्स आएंगे। डायरेक्टर, मैनेजर, पीएमपी का अगर कोई इंटरेस्ट है किसी मैटर में तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स जाएंगे, ठीक है? हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो मेंबर्स वो समझ जाए उस प्रपोज ट्रांजेक्शन को और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो भी उन्हें पता चले। आप ऐसा कोई बिजनेस मैटर डिस्कस करने वाले हो जो किसी दूसरी कंपनी से रिलेटेड है और जो आपकी दूसरी कंपनी है उसमें केएमपी प्रमोटर या फिर डायरेक्टर का ना शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा है, इन दैट केस आपको आपकी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि आपकी कितनी शेयर होल्डिंग है दूसरी कंपनी में। तो ये है अपना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अच्छा चलो फिर से, हर एक ईजीएम के नोटिस के साथ जाती एक स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसके अंदर सारे मटेरियल फैक्ट्स होते हैं जो भी हम प्रपोज्ड बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर और केएमपी की डिटेल्स होती है अगर वो इंटरेस्टेड है तो। इस तरह से हम ड्राफ्ट करते हैं सो दैट मेंबर्स को समझ आ जाए क्या ट्रांजेक्शन है और उसका इम्प्लीकेशन क्या, उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। अगर जो आप बिजनेस डिस्कस करने वाले हो वो दूसरी कंपनी से रिलेटेड है और उस दूसरी कंपनी में केएमपी प्रमोटर डायरेक्टर की होल्डिंग 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी आपकी शेयर होल्डिंग। दैट इज ऑल अबाउट आवर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अभी हम एक मस्त सा प्रोविजन पढ़ने वाले व्हिच इज ऑफ प्रॉक्सी। सेक्शन 105 बात करता है प्रॉक्सी के बारे में। 102 के बाद लिखा हमने 105 व्हिच इज प्रॉक्सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉक्सी आपने सुना होगा, अगर कोई बच्चा कॉलेज नहीं जाना चाहता तो उसके बिहाफ पे किसी और को भेज देता है या बोल देता है मेरी प्रॉक्सी लगा देना, सुना सुना टर्म लग रहा होगा, और अगर पहले पढ़ा होगा तो पता होगा। सो ऐसा कोई पर्सन जिसके पास पूरा पूरा राइट है मीटिंग में जाने का और वोट करने का, ये दो राइट्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास पूरा पूरा राइट है मीटिंग में जाने का और वोट करने का, वो अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को भेज सकता है और जिस पर्सन को भेजता है उन्हें हम बोलेंगे प्रॉक्सी। सो अगर आपके पास राइट है मीटिंग में आप जा सकते हो, साथ ही में आप वोट भी कर सकते हो, इन दैट केस आप एक पर्सन को अपॉइंट करोगे जिसे हम बोलेंगे प्रॉक्सी। तो ये जो प्रॉक्सी होगा, प्रॉक्सी का प्रोविजन एप्लीकेबल है उन कंपनीज पे जिन कंपनी की होगी शेयर कैपिटल एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा होना चाहिए कि वोटिंग बाय प्रॉक्सी इज अलाउड। और आपको पता है अभी हमने नोटिस में पढ़ा था कि ईजीएम का, एजीएम का जो नोटिस होता है उसमें भी एक रूल होता है रिलेटेड टू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का प्रोविजन हम नोटिस में भी लिखते हैं, अगर आप आ नहीं सकते तो आप आपकी जगह आपके प्रॉक्सी को भेज सकते हो। ये जो पर्सन होगा जो प्रॉक्सी होगा, क्या जरूरी है क्या कि वो कंपनी का मेंबर होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर होना चाहिए, पर जो पर्सन प्रॉक्सी को भेज रहा है ना, ये जो पर्सन है ये कंपनी का मेंबर होना चाहिए, साथ ही में ही शुड बी एंटाइटल्ड टू वोट। तो वो किसी भी पर्सन को भेज सकता है, कैसे भेज सकता है, एज अ प्रॉक्सी किसी भी पर्सन को वो भेज सकता है। ये जो प्रॉक्सी हो जरूरी नहीं कि ये मेंबर हो, लेकिन की कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी तो ये प्रॉक्सी मेंबर होना जरूरी है, अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो। दूसरी कंपनी है तो नहीं, लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है देन ही शुड बी अ मेंबर। क्या प्रॉक्सी मीटिंग में जाके बोल सकता है क्या, उसके पास कोई राइट? बिल्कुल भी नहीं बाबा, प्रॉक्सी मीटिंग में नहीं बोल सकता।
प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड से वोट भी नहीं कर सकता, प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ पोल से वोट कर सकता है। तो प्रॉक्सी को भेज क्यों रहे, ताकि जो भी मैटर्स डिस्कस हो रहे वो सुन सकता है, और अगर पोल डिमांड की जाती है तो वो पोल से वोट कर सकता है। अच्छा ये बताओ कि एक पर्सन कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकता है? क्या 100, 200, 1000 लोगों के लिए एक ही पर्सन प्रॉक्सी बन सकता है क्या? आज मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि हम नहीं जा रही मीटिंग में, हमारे पास बड़ा काम है, तो किसी एक पर्सन को प्रॉक्सी भेज देते। तो क्या हम दोनों मिलकर किसी एक पर्सन को प्रॉक्सी भेज सकते हैं क्या? यस, एक पर्सन मैक्सिमम 50 मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी बन सकता है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि जो मेंबर्स उनकी होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, मतलब दो मेंबर्स की पेड अप शेयर कैपिटल उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना ये चीज। मैक्सिमम या तो 50 मेंबर्स का वो प्रॉक्सी बन सकता है, या फिर ऐसे मेंबर्स जिन्होंने 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा है उसका वो प्रॉक्सी बन सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसी मेंबर हूँ, या लेट्स से मेहंदी ने होल्ड कर रखा है 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट, तो मेरा प्रॉक्सी कोई नहीं बनेगा क्या? क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम लिमिट ही 10% है। तो सुनो, अगर आप ऐसे कोई पर्सन हो जिसने होल्ड कर रखा है 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा, तो आपका प्रॉक्सी बनेगा एक ही पर्सन। यस, यही मेरा प्रॉक्सी बनेगा, लेकिन ये किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रॉक्सी बनेगा। तो यहाँ पे मुझे सिंगल प्रॉक्सी मिलेगा, बाकी तो एक पर्सन 2-3 लोगों का बन सकता है, लेकिन अगर 10% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो सिंगल प्रॉक्सी मुझे मिलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एक पर्सन मैक्सिमम 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है, या फिर मेंबर्स जिन्होंने 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे हैं। अलाउड है आपको प्रॉक्सी 50 मेंबर्स का बनना, लेकिन उनका ट्रिपल शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही चीज मैंने बताई। लेकिन एक सिंगल पर्सन का अगर 10% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो प्रॉक्सी मिलेगा, लेकिन वो सिंगल प्रॉक्सी अपॉइंट होगा, जैसा कि मेरा सिंगल प्रॉक्सी अपॉइंट हो रहा था। ये जो प्रॉक्सी आप उसको अपॉइंट कैसे करते हो, कुछ तो चीज होगी। तो यस, आपको कंपनी को भी तो बताना पड़ेगा ना कि मेरा प्रॉक्सी कौन। तो आपको कंपनी को बताना पड़ता है इन फॉर्म MGT 11। MGT 11 में हम कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रॉक्सी हमारा बनने वाला है, और MGT 11 आपको कितने दिन पहले कंपनी को भेजना है। तो ध्यान रखना बच्चा, आपको 48 आवर्स पहले, कहाँ से 48 आवर्स पहले, जब से मीटिंग हो रही है वहां से 48 आवर्स पहले आपको नोटिस भेजना है MGT 11 में कंपनी में, जिसमें आप डिक्लेयर करोगे कि मेरे बिहाफ पे ये पर्सन एज अ प्रॉक्सी आने वाला है। टाइम लिमिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केस स्टडीज वाले। लेकिन अभी तो हमारा 48 आवर्स है, मेरा जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिख रखा है कि 60 आवर्स पहले MGT 11 आपको सबमिट करना है, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। अभी मेहंदी ने जो प्रॉक्सी फॉर्म था वो सबमिट किया है 48 आवर्स पहले, तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। हराम, कंपनी ने बोला कि हम आपका प्रॉक्सी फॉर्म नहीं लेंगे, बिकॉज हमने तो सीधा सीधा आर्टिकल्स में लिखा है कि आपको 60 आवर्स पहले सबमिट करना है। इन दैट केस मैं कंपनी को बोलूंगी, अरे तुम्हारा पंगा कंपनी सेक्रेटरी से हुआ, जाओ जाके देखो कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका लेस आवर्स या फिर मोर आवर्स बताता है, इन दैट केस हम उसे नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरा 48 आवर्स वाला रूल ही प्रिवेल होगा। 48 आवर्स में ही मैं देखूंगी, अगर कंपनी बोलती है कि आपको 24 घंटे पहले देना है तो भी मैं नहीं मानूंगी, 60 आवर्स पहले देना है तो भी नहीं मानूंगी, 74 पहले देना है तो भी नहीं मानूंगी। मुझे ध्यान रखना है कि मुझे 48 आवर्स पहले देना है। अगर मैं अपनी इच्छा से, लेट्स अज्यूम कि मैं चाहती हूँ कि ठीक है मैं 3 दिन पहले दे दूँ, अगर मैं अपनी इच्छा से 72 आवर्स पहले देना चाहती हूँ तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन कंपनी लेने से मना नहीं कर सकती। ध्यान रखना, कंपनी चाहे तो स्ट्रिक्टर प्रोविजन भी नहीं लगा सकती, ना ही वो लीनियंट प्रोविजन लगा सकती है। 48 आवर्स वाला रूल ही यहाँ पे प्रिवेल करेगा। इस पे मैंने केस स्टडीज आपको दिए, आप DPP सॉल्व करोगे तो आपको और दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो मेंबर है कंपनी का, ये जैसा कि मैंने बताया था, ये इंस्ट्रूमेंट भेजता है प्रॉक्सी का MGT 11 में, कितने दिन पहले भेजता है, कितने आवर्स पहले भेजेगा, तो 48 आवर्स पहले मीटिंग से आपको वो फॉर्म भेजना है। 48 आवर्स वाला टाइम पीरियड ही मानेंगे, चाहे आर्टिकल्स में ज्यादा लिखा हो कम लिखा हो हमें नहीं फर्क पड़ता है, हम 48 आवर्स वाली टाइम पीरियड मानेंगे।
राइट अभी मैं चाहती हूँ, मैं मेंबर हूँ कंपनी की, मैं चाहती हूँ ये जो प्रॉक्सी के रिकॉर्ड्स है उसको इंस्पेक्ट करना, क्या कर सकती हूँ? यस, आप कंपनी को बोल सकते हो प्रॉक्सी के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको 3 दिन पहले का प्रायर नोटिस देना है कंपनी को, और मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है मीटिंग के 24 आवर्स पहले, लेकिन सिर्फ बिजनेस आवर में, विच इज 9 AM to 6 PM, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो मीटिंग से 24 आवर्स पहले। अभी मेंबर ऑफ कंपनी जो है, इन्होंने MGD 11 तो फाइल कर दिया है, प्रॉक्सी को अपॉइंट भी कर दिया पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, लेकिन अगर वो मीटिंग एडजर्न हो गई तो, अगर कोरम नहीं आई, मीटिंग एडजर्न हो गई तो उस मीटिंग के लिए क्या मुझे नया MGD 11 फाइल करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एडजर्न मीटिंग के लिए आपको नया MGD 11 फाइल नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम ही कुछ नए नए पॉइंट्स पढ़ रहे हो, तो दिमाग में बिठा देना, आपका ICHI कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्रॉक्सी वाला प्रोविजन पूरा ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मीटिंग एडजर्न हो गई है, आपने किसी पर्टिकुलर मीटिंग के लिए MGT 11 48 आवर्स पहले फाइल कर दिया था, एडजर्न मीटिंग के लिए आपको नया MGT 11 फाइल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब मान लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपॉइंट किया है प्रॉक्सी को, मैं नहीं जा सकी, मैंने अपॉइंट कर दिया प्रॉक्सी को जो कि मेरा भाई है, राइट मैंने मेरे भाई को अपॉइंट किया एज ए प्रॉक्सी की, ठीक है तू उठाला बैठा रहते, जा जा जाके मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करके आ। लेकिन थोड़े टाइम पहले ही, 48 आवर्स पहले हमें भेजना होता है, कौन से फॉर्म में? MGT 11 में, एकदम टाइम पे भेजा मैंने, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा मूड बदल गया कि वो क्या ही समझेगा, तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ मीटिंग में और मैं ही मीटिंग को अटेंड कर लेती हूँ, तो मैं गई भागी भागी और मैंने मीटिंग अटेंड कर दी। सो इन दैट केस क्या मुझे बताओ, ये जो मैंने मेरे भाई को अपॉइंट किया था एज अ प्रॉक्सी, क्या वो प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा क्या? मतलब क्या ही प्रॉक्सी टेकन बैक हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो पर्सन था वो ही आ जाएगा? यस, अगर जो पर्सन, जो मेंबर है वो ही मीटिंग को अटेंड कर लेता है, प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के बाद भी वो ही मीटिंग को अपॉइंट कर ले, प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के बाद भी वो ही मीटिंग को अटेंड कर लेता है, इन दैट केस भी हम प्रॉक्सी को मानेंगे कि प्रॉक्सी हमारा ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया है। तो क्या हुआ, मैं गई मीटिंग में और मैंने मीटिंग अटेंड कर ली, तो ये जो मेरा भाई है, ये मान लिया जाएगा, ये जो प्रॉक्सी की तरह आया था उसको टाटा बाय बाय करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल मेंबर था वो ही आ गया, तो ये प्रॉक्सी फॉर्म रिवोक हो जाएगा। लेकिन ये निकला चतुर चालाक, इसने क्या किया, मैं पहुंचू उससे पहले ही कर दिया है वोट। कौन सा वोट कर सकता है ये? वोट बाय पोल, पोल है तो वो वोट कर सकता है, शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं कर सकता है। तो इसने कर दिया है वोट बाय पोल, इन दैट केस तो अगर मेरे भाई ने वोट कर दिया है तो इसका जो प्रॉक्सी रिवोक नहीं कर सकता, उल्टा ये तो मुझे टाटा बाय बाय बोल देगा कि मैं तो काउंट हो जाऊंगा। सो अगर आपके प्रॉक्सी ने वोट कर दिया है मीटिंग में तो आपका प्रॉक्सी कभी भी रिवोक नहीं हो सकता है, लेकिन प्रॉक्सी ने वोट नहीं किया है, मेंबर खुद आ गया है, तो हम मान लेंगे ये प्रॉक्सी रिवोक हो गया है ऑटोमेटिकली। चलो अब क्या हुआ, आपका जो प्रॉक्सी है जिसको आपने अपॉइंट किया था आपकी जगह, आप उसको रिवोक करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि वो एज अ प्रॉक्सी जाए आपकी मीटिंग में, आप खुद आ जाना चाहते हो, इन दैट केस जो नोटिस होगा रिवोकेशन का, उसको वापस लेने का, सी रिवोकेशन का मतलब होता है टेकन बैक, वापस आप ले रहे, तो जो नोटिस होगा रिवोकेशन का वो आपको भेजना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं प्रॉक्सी को अपॉइंट करना, बट आपको कंपनी को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और साथ ही में जो नोटिस है इट शुड बी साइंड बाय द मेंबर, और हम कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, क्या ये हो सकता है, क्या कंपनी के मेंबर कोई प्रेसिडेंट हो सकता है? बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी शेयर्स खरीद सकता है ना कंपनी के, यस। अच्छा, क्या गवर्नर ऑफ द स्टेट हो सकता है? हाँ। क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है? क्या कोई कंपनी, क्या कोई LLP हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी के शेयर्स तो कोई भी खरीद सकता है और कोई भी मेंबर बन सकता है। तो मीटिंग हो रही है और इन्हें आना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब काम काज छोड़ के तो आपकी मीटिंग में आएगा नहीं, उनके बिहाफ पे वो भेजते AR को। अभी AR कौन? AR कौन बोलते? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, और ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इन तीनों के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करते हैं। और ध्यान रहे, ये जो AR होने वाले, इनके पास सारी राइट्स होती है जैसे कि आपके मेंबर के पास होती है। यस, ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को हम मानेंगे जैसे कि ये आपकी कंपनी के मेंबर ही है। और तो और, ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकते,
तो क्या मैम ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी नहीं है? बिल्कुल भी, इन्हें हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट और गवर्नर ऑफ द स्टेट किनको भेजेंगे अपने बिहाफ पे? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। और अगर AR आया है, अगर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आया, तो हम समझेंगे कि ये मेंबर है, इनके पास सारी राइट्स है जैसे कि एक नॉर्मल मेंबर के पास होती है। ये चाहे तो प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होना प्रॉक्सी में और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में, दोनों अलग है। अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट कर सकते हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, जिनके पास पावर है मीटिंग अटेंड करने की और सारी राइट्स है एज अ मेंबर। अच्छा, तो क्या इसे आप प्रॉक्सी मानोगे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेंबर है, हम इन्हें प्रॉक्सी नहीं मानेंगे। साथ ही साथ जब आप कोरम कैलकुलेट करते हो, जब आप देखते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आने चाहिए, उस कोरम के अंदर भी हम इन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को काउंट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि इन्हें मेंबर मानेंगे, और जब मैं किसी को मेंबर मान रही हूँ मेरी कंपनी का, तो उन्हें मैं कोरम में काउंट करूंगी। पर ध्यान रखना बच्चा, बहुत दिमाग से ध्यान से सुनना, कि आप प्रॉक्सी को कभी भी कोरम में काउंट नहीं करते हो। आपको याद है हमने कोरम पढ़ा था पब्लिक कंपनी का, राइट? उसमें एक वर्ड लिखा था पर्सनली प्रेजेंट, अगर नहीं ध्यान है तो ध्यान रखना। 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। यहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट का मतलब यही है दैट प्रॉक्सी विल नॉट बी काउंटेड। ये जो प्रॉक्सी है इन्हें हम कोरम में काउंट नहीं करेंगे, मेंबर्स खुद होंगे तभी हम उन्हें कोरम में काउंट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उन्हें हम कोरम में काउंट करेंगे, उन्हें हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल प्रॉक्सीज को पॉइंट कर दूं तो क्या होगा? जैसे कि यहां पे मैंने पहले मेरी जगह अपॉइंट किया था मिस्टर एक्स को, राइट? लेकिन अभी मेरी उससे कुछ अनबन हो गई है और मैंने अपॉइंट किया है फिर से मिस्टर वाई को एज माय प्रॉक्सी। अभी तुम बताओ कि मिस्टर एक्स प्रॉक्सी मानेंगे या मिस्टर वाई को प्रॉक्सी मानेंगे? हम तो कंफ्यूज हो गए बाबा। तो ऐसा आएगा कि जो सबसे आखिरी में है, जो लास्ट में है, उसे हम मानेंगे कि ये वैलिड प्रॉक्सी, राइट? जो आखिरी में है उसे मानेंगे कि ये वैलिड प्रॉक्सी। लेकिन इसमें भी ध्यान रहे, ये जो वैलिड प्रॉक्सी, उसका प्रॉक्सी फॉर्म यानी कि MGT 11, फॉर्म नंबर याद होना चाहिए प्रॉक्सी का, MGT 11। ये जो MGT 11 है, ये MGT 11 आपने कंपनी को 48 आवर्स पहले भेजा होगा, तो ही हम मिस्टर वाई को वैलिड मानेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपने 48 आवर्स पहले नहीं भेजा, आपने सिर्फ 24 आवर्स पहले भेजा है। इन दैट केस मिस्टर एक्स को ही हम प्रॉक्सी मानेंगे, मिस्टर वाई को प्रॉक्सी नहीं मानेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर से बताती हूँ क्या हुआ। अगर मैंने मल्टीपल प्रॉक्सीज अपॉइंट कर दिए तो जो प्रॉक्सी सबसे आखिरी में डेट थी, जो सबसे लास्ट थी, उसे हम मानेंगे प्रॉक्सी। लेकिन वो प्रॉक्सी का जो फॉर्म है वो आपको 48 आवर्स पहले कंपनी को भेजना है। अगर आपने 48 आवर्स पहले कंपनी को नहीं भेजा है तो वो जो पहली प्रॉक्सी थी उसे ही हम वैलिड मानेंगे। और अगर मल्टीपल प्रॉक्सीज आपने सेम डेट पे ही अपॉइंट कर दी तो हम उनका टाइम ऑफ स्टैंपिंग देखते हैं और उस केस में देखते हैं कौन सी प्रॉक्सीज वैलिड होगी, कौन सी इनवैलिड होगी। देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रॉक्सी और 11 पॉइंट्स में आपका प्रॉक्सी फिनिश। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा सेक्शन 106, विच इज रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। क्या वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं? क्या रोक टोक लग सकती है क्या? यस, रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक टोक आप कर तो सकते हो, लेकिन ये पहले पूरा करो। जैसे कि तुम घूमने जा सकते हो, तुम ट्रिप पे जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन पहले CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, लेकिन पहले ऑल इंडिया रैंक लाओ। ऐसे ही रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना मम्मी पापा, वैसे ही हमने भी वोटिंग राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। वोटिंग राइट्स मेंबर्स की हम कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर शेयर्स पे उन्होंने पैसा नहीं दिया है। जो कॉल अमाउंट है, आपने शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है, तो आपकी वोटिंग राइट्स हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पैसा दे दिया है, मैं वोटिंग राइट्स का यूज कर सकती हूँ। अगर मेरे जो शेयर्स दिया है सब्जेक्ट टू प्लेज, मैंने प्लेज कर रखा है और शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, मतलब कहीं मैंने शेयर्स रख रखे थे एज अ सिक्योरिटी, मैंने शेयर्स दिए थे, मैंने प्लेज करवाया था, मैंने लोन लिया और मैंने प्लेज करवाया था, और अब क्या हो रहा है, मैं पैसा नहीं दे पा रही हूँ, इन दैट केस
यहाँ पे भी मैं वोट नहीं कर सकती हूँ, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज हो जाएगी। दो केसेस है, मैंने पैसा नहीं दिया है शेयर्स पे पूरा, या फिर मैंने शेयर्स को कहीं प्लेज रखवाया, कहीं गिरवी रखा है, और जो लोन का पेमेंट था मैं लोन का पेमेंट नहीं कर पाई हूँ, तो वहां पे शेयर्स ले लिए जाएंगे वापस से, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज हो जाएगा और आप वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। बस इतना सा है 106 लिखा ना कॉपी में, 105 प्रॉक्सी के बाद आया 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। सी अगर आप सीरियसली मेरे साथ लिख रहे हो ना, यू वॉन्ट बिलीव, बट आपको वन डे बिफोर एग्जाम ना ये काफी काफी काम होने वाला है, एंड यू वुड बी श्योरली थैंकफुल टू मी कि मैंने ये लिखवाया है। मेरे साथ साथ लिखोगे, लिख लोगे, वरना मुझे पता है तुम खुद से नहीं लिखने वाले, तो साथ साथ लिखते जाओ। सेक्शन 107 बात करता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से। ऐसे वोट करना है क्या मैम? जी हाँ, नॉर्मली वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होती है, आप वोट करके बताते हो कि आप फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में हो। जैसे कि हो रहा है कि एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास हुआ है, यू हैव टू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स। वो बोलेंगे फेवर में, देन यू विल शो ऑफ हैंड्स। अगर आप राजी हो, मींस या पोल से वोट नहीं होता है, वहां पे वोटिंग होती बाय शो ऑफ हैंड्स। 107 बात करता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखा के अपना वोट कर लो। नेक्स्ट सेक्शन 108 और 108 बात करते हैं वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, यस इलेक्ट्रॉनिकली आप कैसे वोट कर सकते हो। देखो कुछ कंपनी के लिए ना तो कंपलसरी कि आपको वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस से ही करना है। कौन सी कंपनी के लिए कंपलसरी? ऐसी कंपनी जिनके इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो क्या मैं कह सकती हूँ आपकी लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, या फिर ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स 1000 या उससे ज्यादा है, equal to or more than 1000 members है। In that case आपको compulsory जब जब voting होगी तब तक electronic means से ही होगी। जब जब meeting होगी तो आपको voting कैसे करवानी? Electronic means से, because it is not necessary कि लोग आ पाए वहां पर vote कर पाए by show of hands, लेकिन electronic means से जो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से तो कोई भी मेंबर इजीली वोट कर पाएगा। तो अगर आपकी बहुत ही बड़ी कंपनी यानी कोई लिस्टेड कंपनी है, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, या फिर 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स है, तो जाहिर सी बात है आपकी कंपनी बड़ी है। इन दैट केस आपको फैसिलिटी देनी है इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने की। ऑप्शनल है कुछ कंपनीज के लिए, ऐसी कंपनीज जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड है, निधि कंपनी, और ऐसी कंपनी जिनके डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है लेकिन इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। ध्यान रखना लिस्टेड कंपनी में भी वो आएगी जिसकी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है। अगर डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है तो आपके लिए ऑप्शनल है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बट इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है देन आपके लिए कंपलसरी है। सेक्शन 109 बात करता है डिमांड फॉर वोटिंग बाय पोल, यस वोटिंग बाय पोल। पोल कैसे सबसे पहले होगा? तो चेयरमैन खुद से भी बोल सकता है कि हम लोग अभी वोट करेंगे बाय पोल, या फिर मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं। अगर बहुत सारे प्रॉक्सी हैं तो मेंबर्स डिमांड करेंगे कि प्लीज आप वोटिंग बाय पोल करवा दो। कैसे आप डिमांड करोगे पोल के लिए? तो अगर आपकी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, इन दैट केस प्रॉक्सी को एटलीस्ट 5 लाख होल्ड करना है, 5 लाख रुपीस तक की पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर 10% ऑफ वोटिंग राइट्स अगर उसने होल्ड कर रखा है तो फिर वो रिक्वेस्ट कर सकता है पोल के लिए। कितना? मिनिमम 5 लाख तक की पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जो भी मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है या फिर प्रॉक्सी ने 10% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स होल्ड कर रखा है, इन दैट केस आप डिमांड कर सकते हो पोल को। अच्छा आपको पता है पोल में होता क्या एग्जैक्टली? जैसे शो ऑफ हैंड्स में एक हैंड है तो एक ही वोट काउंट किया जाएगा, लेकिन पोल के केस में 1 share is equal to 1 vote होता है। तो अगर मेरे पास 10 shares है तो मैं 10 बार वोट कर सकती हूँ, राइट? लेकिन शो ऑफ हैंड्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो पोल है ना, सबको पोल पेपर्स दिए जाते हैं, आप आपका वोट कास्ट करते हो एंड फिर इस बॉक्स में रखा जाता है। जो स्क्रूटनाइजर होता है वो देखता है कि कितने वोट्स फेवर में आए, कितने वोट्स अगेंस्ट में आए, एंड उस अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ या फिर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, राइट? ये मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं पोल को। हमने अभी देखा कितने टाइम के अंदर अंदर पोल हो जाना चाहिए। अगर पोल डिमांड क्यों हुआ है कि मीटिंग को एडजर्न करा दो, पोल डिमांड ही हो रहा है कि मीटिंग एडजर्न करा दो या फिर चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए, तो उस केस में हमको पोल इमीडिएटली कंडक्ट कराना पड़ेगा ना।
जरूरी है ताकि डिसाइड हो। तो अगर एडजर्न करानी है मीटिंग या फिर चेयरमैन इलेक्ट करना है तो पोल इमिडिएटली कराओ। अगर किसी और पर्पस के लिए पोल डिमांड कर रहे हो, किसी और बिजनेस के लिए पोल डिमांड कर रहे हो, उस केस में 48 आवर्स के अंदर अंदर पोल करवाना है। जब से आपने डिमांड किया है वहां से 48 आवर्स के अंदर अंदर यू शुड मेक श्योर आपको पोल कंडक्ट कराना है। पोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने बताया था एक या एक से ज्यादा स्क्रूटनाइजर हम लोग अपॉइंट करते हैं, उन्हीं का काम ही होता है और उनका अपॉइंटमेंट होता है MGT 12 में। अच्छा MGT 11 में क्या था? MGT 11 प्रॉक्सी फॉर्म का था जो हम लोग पर्सन मेंबर किसको भेजता है, कंपनी को भेजता है 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, ऐसा रिकॉल करना चाहिए। तो MGT 12 में हम लोग स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करते हैं और स्क्रूटनाइजर पूरा प्रोसेस को कैरी आउट करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया था, वो प्रोसेस को कैरी आउट करने का काम स्क्रूटनाइजर का होता है। 110 बात करते हैं आपका वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, ये उस टाइम की बात है जब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इतना नहीं था। इन दैट केस भी क्या होता था, रिमोट ई वोटिंग का सिस्टम था, घर बैठकर जवाब दे सकते थे। तो यहाँ पे आपको पोस्ट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू वोट करना पड़ता था। 30 डेज के अंदर अंदर आपको बताना पड़ता था वेदर यू आर इंटरेस्टेड या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। सी ये एप्लीकेबल किस किस कंपनीज पे नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी OPC है तो उधर पोस्टल बैलेट नहीं लगेगा, और आपकी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपके मेंबर्स अप टू 200 है तो भी पोस्टल बैलेट नहीं लगेगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये प्राइवेट कंपनी हुई, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स है। बाकी सारी कंपनीज पे आप पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसे मैटर्स है जो पोस्टल बैलेट से डिस्कस बिल्कुल भी नहीं हो सकते। कौन से मैटर्स है? ऑर्डिनरी बिजनेस वाले जो सिर्फ AGM में डिस्कस होते हैं, विच इज अड्डा, ये मैटर्स आप पोस्टल बैलेट से डिस्कस नहीं कर सकते हो। मतलब इन मैटर्स पे जो वोटिंग होगी वो पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकती। और साथ ही में ऐसे कोई मैटर्स है जो कि रिलेटेड है डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से, वो भी वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट नहीं हो सकते। इट इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना है। छोटी मोटी केस स्टडी आ सकती है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऑर्डिनरी बिजनेस और डायरेक्टर ऑडिटर से रिलेटेड जो भी मैटर है आप वोट बाय पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे मैटर्स है जो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से हो सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज ही चेंज हो रहा है, या फिर आपने पहले मेंबर से पैसे लिए थे किसी और ऑब्जेक्ट के लिए और अभी आपकी कंपनी कुछ और ऑब्जेक्ट करना चाह रही, तो अल्टरेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट क्लॉज में, तो मैटर कैसे ट्रांजेक्ट होगा, वोट कैसे होगा? बाय पोस्टल बैलेट। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो आप आपकी कंपनी का विच इज आउटसाइड द सिटी टाउन या फिर विलेज, ऑल्टरेशन हो रहा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जो शेयर है आप उसे वापस से खरीद रहे हो, अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो, शेयर होल्डर की राइट्स में कुछ वेरिएशन हो रहा है, या फिर आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, इन सभी केसेस में आप वोट कर सकते हो बाय पोस्टल बैलेट। कौन से मैटर्स में वोट नहीं होगा? ऑर्डिनरी बिजनेस वाले, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स वाले। बाकी इन मैटर्स पे आप वोट कर सकते हो बाय पोस्टल बैलेट। दिस इज ऑल अबाउट वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 115 विच इज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। सी आगे बच्चों को ना सेक्शन 115 और 111 समझ ही नहीं आता, ऊपर से जाता है, लेकिन आई अश्योर यू इसके बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 115 क्या बोलता है आपका, कि अगर आप ऐसे कोई मेंबर हो जिन्होंने 1% ऑफ वोटिंग राइट होल्ड कर रखा है या फिर 5 लाख ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा है, और आप चाहते हो कि यार इस मैटर पे ना कुछ डिस्कशन होना चाहिए कंपनी को, आपको मची है मस्ती, राइट? इस मेंबर को मची है मस्ती जिसने होल्ड कर रखा है 1% ऑफ वोटिंग राइट्स या फिर 5 लाख ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा और नोटिस भेजेगा कि मैं ना ये मैटर डिस्कस करना चाहता हूँ। भी कंपनी को नोटिस कितने दिन पहले जाएगा? मिनिमम 14 डेज पहले, जब मीटिंग है उससे एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको कंपनी को नोटिस भेजना है। मैक्सिमम आप 3 महीने पहले भेज सकते हो, यानी कि मैं 6 महीने पहले नोटिस नहीं भेज सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं 2 महीने पहले नोटिस भेज सकती हूँ। मैक्सिमम आप कितने दिन पहले भेज सकते हो? तो मैक्सिमम आप लोग 3 महीने पहले नोटिस भेज सकते हो, पर कम से कम 14 डेज पहले आपको नोटिस भेजना है कंपनी को, और कंपनी को बताना है वो कंपनी में इन इन मैटर में डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपनी क्या करेगी, वो नोटिस सारे के सारे मेंबर्स को भेजेगी कि ये हमारा मस्ती को शेयर होल्डर कुछ मैटर्स डिस्कस करना चाहता है। कंपनी नोटिस भेजेगी, सारे मेंबर्स को बताएगी 7 डेज बिफोर द मीटिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे मैटर्स है जिसपे मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है, तो बेटा सिर्फ 4 ऐसे मैटर्स है जिसमें मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है। इन 4 के अलावा आप किसी भी मैटर पे स्पेशल नोटिस नहीं भेज सकते हो। पहला है अगर आपको किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, निकलवाना है, नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है इन प्लेस ऑफ रिमूव डायरेक्टर,
किसी ऑडिटर को रिमूव करना है या फिर नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, सीधी सी बात है डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स से रिलेटेड है। पहला है डायरेक्टर को रिमूव करना या फिर नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो डायरेक्टर जा रहा है, ऑडिटर को रिमूव करना है या फिर नया ऑडिटर अपॉइंट करना है जो ऑडिटर जा रहा है उनके प्लेस पे। आपको लगता है कि ये डायरेक्टर सही से काम नहीं कर रहा, मुझे लगता है तो मैं क्या करूंगी, नोटिस भेजूंगी कंपनी को। उससे क्या होगा, कौन सा मेंबर बीत सकता है? अगर आपके पास 1% वोटिंग राइट है या फिर 5 लाख ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल आप होल्ड कर दो, तो आप नोटिस भेजोगे कंपनी को कितने दिन पहले, कम से कम 14 डेज पहले, मैक्सिमम 3 महीने पहले, और कंपनी को बताओगे कि मैं ऐसा डिस्कस करना चाहता हूँ। कंपनी सारे मेंबर्स को नोटिस भेजेगी 7 डेज बिफोर द मीटिंग से। तो क्या होगा मैम, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मेंबर ने जो नोटिस भेजा क्या वो डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा? जी नहीं, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टर रिमूव होगा, पर ये जरूर होगा कि उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन होगा रिलेटेड टू दैट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो मेंबर की बात रखी जाएगी और वो डिस्कशन होगा रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ये कहता है आपका सेक्शन 115, चार चीजें हैं, डायरेक्टर को रिमूव करना या फिर नया डायरेक्टर अपॉइंट करना जो डायरेक्टर जा रहा है, ऑडिटर को रिमूव करना या फिर नया ऑडिटर अपॉइंट करना जो ऑडिटर जा रहा है। अगर आपने 1% ऑफ वोटिंग राइट्स होल्ड कर रखा है या फिर 5 लाख ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कंपनी को 14 डेज पहले नोटिस भेजना है या फिर मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले। कंपनी भी सबको बता देगी और नोटिस भेजेगी 7 डेज बिफोर द मीटिंग। सिर्फ इतना सा है 115। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 111। सेक्शन 111 क्या बोलता है कि आप तो घर पर बैठे थे शांति से, लेकिन आया है किसी कंपनी का नोटिस और कंपनी के नोटिस में लिखा हुआ है कि हम एक ईजीएम करना चाह रहे हैं इस डेट को और एजेंडा है। एजेंडा में ये लिखा हुआ है कि आपकी जो कंपनी है ना ये लोन लेने वाली है 10 लाख का। अभी आपने सोचा हाय राम ये क्या हो गया, कंपनी ने ऑलरेडी तो इतना लोन ले रखा है, अभी कंपनी और क्यों लोन लेना चाह रही है? आप तो टेंशन में आ गए क्योंकि आप भी तो मेंबर हो, आप भी तो शेयर होल्डर हो और आपने कितना होल्ड कर रखा है, आपने 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा है, तो आप तो बड़े वाले मेंबर हुए। इन दैट केस आपको लगता है कि कंपनी को और लोन नहीं लेना चाहिए, तो आप जैसे समझदार इंसान एक नोटिस भेजोगे। अभी आप सब मेंबर्स को तो जानते नहीं हो, आप चाहते हो कि सारे मेंबर्स डिस्कस करें कंपनी से, एक एक मेंबर को कैसे भेजोगे? तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट करोगे कंपनी मेरा जो स्पेशल नोटिस है वो सारे के सारे मेंबर्स को भेजा जाए। आप कंपनी को नोटिस भेजोगे और कंपनी को बोलोगे कि कंपनी मेरा नोटिस सारे मेंबर्स को भेजा जाए, लेकिन सवाल उठता है कि आपको कंपनी को कितने दिन पहले नोटिस देना है? तो कोई पॉइंट है, जैसे कि अभी लोन से रिलेटेड था कि आपको डिस्कस करना है कि इतना लोन नहीं लेना चाहिए, कोई पॉइंट को आपको ऑब्जेक्शन देना है या फिर कोई नया पॉइंट आपको एडिशनल ऑल्टर कराना है, इन दैट केस आपको 2 हफ्ते पहले नोटिस भेजना है। जब मीटिंग है वैसे 2 हफ्ते पहले आपको कंपनी को नोटिस भेजना है, लेकिन आप तो कोई नया रिजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो ये जो लिखा हुआ है एजेंडा में, उसके अलावा आप चाहते हो कि यार जनरल मीटिंग में ये बात भी डिस्कस होनी चाहिए, इन दैट केस आपको कंपनी को नोटिस कितने दिन पहले भेजना है? आपको 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग कंपनी को नोटिस भेजना है। सिर्फ 2 ही टाइम पीरियड है। देखो सबसे पहले तो आप ऐसे मेंबर होने चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स होल्ड कर रखी हो। वो मेंबर है ना नोटिस भेजेगा कंपनी को कि आप सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करो, ये रिक्वेस्ट करेगा। अगर नोटिस में कोई आइटम है उसी में उसको ऑब्जेक्शन या फिर कोई एडिशनल पॉइंट ऐड करना है तो 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग आपको कंपनी को नोटिस भेजना है। लेकिन आपको तो कुछ अंदर से चिल मची और आप चाहते हो कि नया रिजोल्यूशन भी अपॉइंट, लेकिन आपको तो अंदर से मस्ती चढ़ी और आप चाहते हो कि कोई नया रिजोल्यूशन भी डिस्कस होना चाहिए, इन दैट केस आपको 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग कंपनी को नोटिस भेजना है। लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है आपने जो नोटिस भेजा है उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डिफेमेटरी है या सही नहीं है, कुछ नेगेटिव चीज है, इन दैट केस कंपनी RD से परमिशन मांग के उस नोटिस को रुकवा सकता है और वो नोटिस में जो भी बातें है वो डिस्कस नहीं होगी। ये बोलता है आपका सेक्शन 111। सेक्शन 117 बात करता है कि आप जो MGT 14 फॉर्म फाइल करते हो, ये फॉर्म आप सबसे ज्यादा पढ़ते होंगे सेटिंग अप में भी और कंपनी लॉ में भी, तो कौन कौन से मैटर्स है जिसके लिए MGT 14 फाइल किया जाता है? अगर आपकी कंपनी कभी भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करी तो ध्यान रखना जब जब ऐसा आएगा उसके पीछे पीछे चलाएगा MGT 14, तब आपको MGT 14 फाइल करना है। ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जो सारे मेंबर्स ने अग्री किया है तो क्या मैं कह सकती हूँ यूनानिमस रेजोल्यूशन है?
तो भी मुझे MGT 14 फाइल करना है, मेरे कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो रहा है, MOA और AOA में अगर कुछ चेंज हो रहा है, देन इन दैट केस MGT 14 फाइल करना है। कोई भी रेजोल्यूशन बोर्ड ने पास किया रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या फिर वेरिएशन हो रहा है, तो भी आपको MGT 14 फाइल करना है। रेजोल्यूशन पास हुआ है क्लास मीटिंग में, वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा रही है आपकी कंपनी, यस वॉलंटरी लिक्विडेशन में जा रही है, या फिर बोर्ड मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, या फिर पब्लिक डोमेन में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो जब जब ऐसा होगा तब तक MGT 14 आपको ROC को फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर। बहुत सिंपल है, बहुत इजी सी। ज्यादातर हमने रेजोल्यूशन की ही बात करी, सबसे पहले हमने देखा है SR पास हो रहा है, UR पास हो रहा है, यानी कि यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो रहा है, फिर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है जिसमें हम अपॉइंट कर रहे हैं, रीअपॉइंट कर रहे हैं, ऐसा कोई रेजोल्यूशन है जो कि क्लास मीटिंग में पास हुआ है, ऐसा कोई रेजोल्यूशन जो कि पब्लिक डोमेन के लिए सही है, ऐसा कोई रेजोल्यूशन हो रहा है वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए, या फिर रेजोल्यूशन आप कर रहे हो बोर्ड, एंड लास्टली कोई ऑल्टरेशन हो रहा है, इन दैट केस आप फाइल करोगे MGT 14। क्या क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्लास मीटिंग के लिए कोई हो रहा है, अपना पब्लिक डोमेन में हो रहा है, बोर्ड मीटिंग के लिए हो रहा है, वॉलेंटरी लिक्विडेशन के लिए, रेजोल्यूशन बोर्ड पास करी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के लिए, या फिर कोई ऑल्टरेशन हो रहा है चार्टर डॉक्यूमेंट्स में। जब जब ऐसी आठ चीजें होगी तब तक हमारी कंपनी फाइल करेगी MGT 14 ROC को 30 डेज के अंदर अंदर। ये हमारा लास्ट सेक्शन था, विच इज सेक्शन 117। देखो सेक्शन 118 भी है, बट सेक्शन 118 में मोर और लेस वही बातें हैं जो हमने बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में पढ़ी है। तो सेक्शन 118 ये बोलता है कि आपको कंपनी का मिनट्स बुक मेंटेन करना पड़ेगा, कि मिनट्स बुक शुड बी साइंड होने चाहिए बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अगर वो चेयरमैन नहीं तो सक्सीडिंग मीटिंग का जो चेयरमैन है वो साइन करेगा। मिनट्स बुक को आपको एंट्री कर लेनी है 30 डेज के अंदर अंदर। मिनट्स में क्या होगा? समरी ऑफ द मीटिंग होगी। यही मेन चीज है आपके मिनट्स के बारे में। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आपका पूरा जनरल मीटिंग खत्म हो गया है, रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा AGM के बारे में, जो बताता है आपका सेक्शन नंबर 96। फर्स्ट AGM आपको 9 months के अंदर अंदर करा देनी है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट AGM है तो 6 महीने के अंदर कराओ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन 2 AGM के बीच का क्या 15 months से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब करानी है, डेट टाइम प्लेस हमने डिस्कस किया था। फोरम में हमने देखा प्राइवेट कंपनी है तो 2 members पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए हमने देखा आपकी कंपनी में मेंबर्स कितने, उसके अकॉर्डिंग हमने फोरम देखा। प्रॉक्सी हम लोगों ने देखा जो बात करता है सेक्शन 105 के बारे में। प्रॉक्सी बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है मीटिंग में जाने के लिए, वोट करने के लिए, वो अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को प्रॉक्सी की तरह अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी मैक्सिमम 50 members का बन सकता है और 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स, राइट। प्रॉक्सी के लिए आपको फॉर्म कौन से जमा कराना होता है? MGT 11। मीटिंग के 48 hours बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग आपको प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराना होता है। आर्टिकल्स में अगर ज्यादा भी डेट लिखी हुई है, ज्यादा भी दिन है, तो भी हम 48 hours ही मानेंगे। सेक्शन 101 बात करता है हमारे नोटिस के बारे में। नोटिस हमने देखा कि 21 क्लियर डेज पहले नोटिस जाना चाहिए। अगर आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो तो हम +2 days एक्स्ट्रा ले लेंगे। नोटिस के अंदर सारे कंटेंट लिखे होंगे, डेट टाइम प्लेस, कब हो रही है आपकी मीटिंग। अगर आपकी स्पेशल बिजनेस है तो नोटिस के साथ एक और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी जो हमने पढ़ी सेक्शन 102 में। फिर हमने काफी सारे सेक्शन पढ़े थे, विच इज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन से क्या होगा, पोस्टल बैलेट से, पोल से क्या होगा, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या होगा, सर्कुलेशन क्या होगा, एंड लास्टली मिनट्स क्या होगा, एंड सेक्शन 117। हमने काफी सारे सेक्शंस पढ़े थे एंड में। दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। बस आपको होमवर्क इतना सा ही रहेगा दैट प्लीज लर्न सेक्शंस। यस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसके सेक्शंस लर्न करिएगा। देखो जरूरी है लर्न करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आप इसमें रिस्क नहीं लोगे, आप सेक्शंस को याद करोगे, यही आपका होमवर्क रहेगा, एक लिस्ट मेंटेन करनी है आपको, दैट इज इट। बार बार वीडियो को देखोगे तो रिवाइज हो जाएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नोट से, बिलीव मी, बहुत ही प्यारे नोट से, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने इन नोट्स को ड्राफ्ट किया है। तो अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर से पढ़ो, अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। दिस इज CS मेहंदी तोशनीवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।